सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर कलंदर के बाउलर हारिस रऊफ ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इब्तिदा में मुझे क्रिकेट खेलने पर घर से कई बार मार भी पड़ी, निकाला भी गया, ताहम यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के लिए क्रिकेट खेलता रहा। नजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए लाहौर कलंदर के बाउलर हारिस रऊफ ने बताया कि उन्होंने क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की। पहले घर से क्रिकेट के लिए सपोर्ट नहीं मिलती थी, मार पड़ती थी, घर से कई बार निकाला भी गया, सामान दोस्तों के घर रखता था। जब से लाहौर कलंदर का हिस्सा बना हूँ जिंदगी बदल गई है, अब घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। हारिस रऊफ ने कहा कि क्रिकेट खेलकर अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अदा की क्योंकि घर वाले तालीम के लिए विसाल नहीं रखते थे। लाहौर कलंदर में ट्रायल में तेज तरीन बाल की और टीम का हिस्सा बन गया। इस मामले में कोई सिफारिश नहीं होती, जिसमें क्रिकेट टैलेंट है वो आगे आ सकता है। हारिस रऊफ ने कहा है कि हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि बड़े से बड़े फोरम पर क्रिकेट खेले। पाकिस्तान के लिए खेलना हर क्रिकेटर का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कोच ने सबसे तेज बॉलर को बॉलिंग करने का मौका दिया जिस पर उन्होंने बहुत सराहा। वहां विराट कोहली को बॉल करने से बहुत इत्मीनान मिला। सेशन के अख्तिताम पर विराट कोहली ने टिप्स दिए कि ऊंच नीच क्रिकेट का हिस्सा है, आपने खुद को मजबूत रखना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये थी हारिस रऊफ के इंटरव्यू के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।